हमने सोचा कि भारत के बाहर जो हम एनआरआई हैं और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हैं और हिंदूज हैं ऑल ओवर द ग्लोब, एक ऐसा सेलिब्रेशन करें जो युगों युगों तक याद रहे। क्योंकि इस चीज के लिए हमने 500 साल से करीबन वेट कर रहे थे, ये कब होगा। थैंक्स टू अवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, फाइनली दिस ड्रीम हैज कम ट्रू ऑफ 1.8 बिलियन हिंदूज। तो सुबह को 8 बजे से फंक्शन चालू होगा, रात को 10 बजे तक, शाम को 7:30 बजे दिया सेरेमनी होगी, उसके बाद हम बोलेंगे। फाइनली लड्डू तो बांटना ही पड़ेगा, ये ऐसे ऑस्पिशियस ऑकेजन है, तो विल डिस्ट्रीब्यूट लड्डू फाइनली। टाइम्स स्क्वायर में 5 अगस्त को जो हो रहा है, एक न्यूयॉर्कर होने के नाते, एक भारतीय और एक हिंदू होने के नाते मैं उसकी मुखालफत करती हूँ। जहाँ तक इजहार आज़ादी की बात है, ये हकीकत है कि ये एक निजी मामला है। उन्होंने बहुत बड़ी रकम दी है। न्यूयॉर्क का माहौल ऐसा है जहाँ हर मजहब और हर नस्ल के लोग एक साथ रहते हैं, और यहाँ बुनियादी तौर पर लोग हेट स्पीच या नफरत अंगेज बयानात या तकरीर के खिलाफ हैं। हमारा मौकफ ये है कि यहाँ जो कुछ हो रहा है वो हेट स्पीच है। अगर हम करना चाहते तो बहुत पहले ही कर सकते थे, अगर ये अगर बोलते हम हिंदू फंडामेंटलिस्ट, लेकिन हमने तो वेट किया, इतने सालों से वेट किया। जब फाइनली नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि यस, ये राम मंदिर था, राम जी का बर्थ प्लेस था, तभी हमने फाइनली डिसीजन लिया कि हम मंदिर बनाएंगे,